जनपद मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया। मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव के मतदान के लिए 16 मतदान केंद्र और 39 मध्य स्थल बनाए गए थे। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और कहा है कि शांतिपूर्ण माहौल में मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव का मतदान संपन्न हुआ है। मौसम खराब होने के बावजूद भी मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग बढ़ चढ़ कर किया। मुरादाबाद में बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव की वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई। पूरे दिन चले स्नातक चुनाव में लगभग 50% मतदान हुआ। बारिश के बीच शुरू हुई वोटिंग में वोटरों की लंबी लाइन दिखाई दी। स्नातक चुनाव को लेकर जिले भर में 30 बूथ बनाए गए थे। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमराज मीना ने जिले के कई बूथों का निरीक्षण भी किया। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी सुरक्षा के बीच स्नातक चुनाव संपन्न कराया गया। जिलाधिकारी और एसएसपी ने बूथों पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि सुबह 8 बजे बरेली मुरादाबाद खंड के स्नातक चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई थी। भारी संख्या में मतदाता मतदान करने बूथ पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से हर बूथ पर भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ जोनल मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया था। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मतदान संपन्न हुआ। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए स्नातक चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की बात कही। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पूरे जनपद में 16 मतदान केंद्र और 39 बूथ थे। अगर हम 4 बजे तक की बात करें तो मुरादाबाद जनपद में लगभग 50% वोटिंग हुई। चूंकि मौसम आज बहुत खराब था, उसकी वजह से भी मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा है। फिर भी पूरे जनपद में शांति व्यवस्था बनी रही और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। 2 फरवरी को बरेली में मतगणना होगी। मुरादाबाद जनपद में कुल 16 मतदान केंद्र थे जिसमें 39 बूथ थे और 4 बजे तक की फिगर की अगर हम बात करें टोटल 50.08% मतदान हुआ है। चूँकि आज मौसम काफ़ी ख़राब था और सुबह से लगातार बारिश हो रही थी तो शायद इसका भी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण मतदान प्रतिशत जो हम लोग अपेक्षा कर रहे थे उससे थोड़ा कम आया है। लेकिन फिर भी पूरे जनपद में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रही और लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का उपयोग किया। तो मैं सभी जनपदवासियों को, खासकर जो ग्रेजुएट्स जो इसके वोटर्स थे, उन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने इस महापर्व में अपनी प्रतिभागिता की। और ओवरऑल जनपद में अब मतपेटिकाएँ आना शुरू हो गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 6 बजे तक सारी मतपेटिकाएँ यहाँ जमा हो जाएंगी। यहाँ से फिर उनको बरेली के लिए रवाना किया। सर, रिजल्ट कब तक? देखिए, 2 तारीख को काउंटिंग है और इसके काउंटिंग में चूँकि प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है तो थोड़ा वक्त लगता है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 3 तारीख की प्रातः तक या 3 तारीख की दोपहर तक काउंटिंग कंप्लीट हो।